तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले सलून डोर सिस्टम के बारे में। सबसे पहला सलून क्या होता है, ट्रेन का जो इंटीरियर होता है उसे बोला जाता है सलून, और वो सलून में जो इंटीरियर में जो डोर लगा होता है उसे बोला जाता है सलून डोर। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं सलून डोर ऐसा डोर होता है जिसके थ्रू जो पैसेंजर होता है ट्रेन में इन और आउट करता है, राइट। और ये ऑटोमेटिक डोर होता है, ऑटोमेटिकली ऑन होने का काम करता है, ऑटोमेटिकली ओपन होता है, ऑटोमेटिकली क्लोज होता है। अब ये जो सलून डोर है किससे बना होता है, जो सलून डोर होता है बेसिकली एल्यूमिनियम फ्रेम और स्टेनलेस स्टील से बना होता है। तो इसके लिए जो मटेरियल जो यूज़ किया जाता है वो होता है एल्यूमिनियम फ्रेम और दूसरा स्टेनलेस स्टील। अभी यहाँ पर ये जो सलून डोर होता है इसमें हमें बेसिकली दो पार्ट मिलता है, दो लीफ मिलती है। यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से पूरा डोर दिखाई दे रहा है। ये वाली वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सलून डोर के बारे में बात करेंगे और उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, राइट। फिर उसके बाद जो आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग डोर के सारे इंटरनल पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से डोर ओपन होता है, क्लोज होता है। तो यहाँ पर ये हमें पूरे डोर में अगर हम लोग देखें, हमें दो लीफ दिखाई दे रही है। ये वाली जो लीफ है इसे बोला जाता है लेफ्ट लीफ, और ये वाली जो लीफ होती है इसे बोला जाता है राइट लीफ। अब ये दोनों लीफ को मिला के हमें क्या मिलता है, हमें कंप्लीट सलून डोर मिलता है, राइट। अभी यहाँ पर ये जो दोनों जो लीफ है, ये दोनों जो लीफ है जब डोर ओपन हो रहा होता है तो ऐसे केस में दोनों जो लीफ है एक दूसरे से दूर जाती है, और जब डोर क्लोज हो रहा होता है तो दोनों जो लीफ है वो एक दूसरे के क्लोज में आती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डोर में तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चार कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं। पहला ओपन वाली कंडीशन, क्लोज वाली कंडीशन, लॉक वाली कंडीशन और अनलॉक वाली कंडीशन। जब हमारा डोर क्लोज्ड हो रहा होता है तो ऐसे केस में सबसे पहला जब ये दोनों लीफ एक दूसरे के तरफ आएंगी तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा जो डोर होगा वो क्या होगा, वो क्लोज्ड होगा। अब ये दोनों जो लीफ है ये एक दूसरे के तरफ आई और दोनों जो लीफ है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गई, तो जो डोर है वो क्या हुआ, क्लोज हुआ। बट डोर लॉक हुआ क्या, नहीं हुआ। जब दोनों लीफ एक दूसरे के क्लोज में आ जाएंगी तो उसके बाद कुछ सेकेंड बाद जो डोर होता है वो क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। तो सबसे पहला हमने जो डोर है उसे क्लोज किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, डोर को लॉक कर दिया। अभी डोर लॉक हो गया, अब ओपन होने के टाइम जो डोर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले अनलॉक होगा। अनलॉक होने के बाद होगा क्या, दोनों जो लीफ होगी वो क्या होगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो सबसे पहला जो डोर होगा वो ओपन होगा, पहला डोर अनलॉक होता है। अगर हम लोग अनलॉक सीक्वेंस के बारे में बात करें, डोर ओपनिंग सीक्वेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला डोर अनलॉक होगा, फिर ओपन होगा, और जब ओपन होगा तो दोनों लीफ एक दूसरे से दूर जाएंगी। लॉक क्लोज सीक्वेंस के बारे में बात करें, डोर किस तरीके से क्लोज होगा, तो जो दोनों जो लीफ है वो एक दूसरे के क्लोज में आएंगी, डोर क्लोज होगा, फिर उसके बाद जो डोर होगा वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो डोर ओपन, फिर उसके बाद डोर क्लोज, डोर लॉक और डोर अनलॉक, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डोर सिर्फ ओपन ही होता है, क्लोज भी ओपन होता है और क्लोज होता है, ऐसा नहीं होता। जो डोर है वो ओपन होता है, क्लोज होता है, लॉक भी होता है और अनलॉक भी होता है, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया, पहला जो डोर है वो क्या होगा, वो ओपन होगा। ओपन कब होगा, जब डोर अनलॉक होगा, राइट। और डोर जब बंद हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो डोर है वो लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमें बात करना है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये हमें दो लीफ दिखाई दे रही है, एक लेफ्ट लीफ दिखाई दे रही है, एक राइट लीफ दिखाई दे रही है, और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, कट ऑफ लॉक दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग मैन्युअली ऑपरेट करके जो डोर लीफ है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये जो हमें जो सलून डोर जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। पहला जो ऑपरेशन है वो है मैनुअल ऑपरेशन, और दूसरा जो ऑपरेशन है वो है ऑटोमेटिक ऑपरेशन। ऑटोमेटिक ऑपरेशन में होगा क्या, जो डोर होगा वो ऑटोमेटिकली ओपन होगा और क्लोज होगा, और मैनुअल ऑपरेशन में होगा क्या, जो डोर है उसको हम लोग मैनुअली ओपन और क्लोज कर सकते हैं। मैनुअली ओपन और क्लोज कैसा करेंगे, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। अब तक के हमने ये डिस्कस किया, हमारे सलून डोर में दो लीफ लगी होती है, लेफ्ट डोर लीफ लगी होती है, राइट डोर लीफ लगी होती है। जब डोर ओपन हो रहा होता है तो दोनों जो लीफ है वो एक दूसरे से दूर जाती है, और जब डोर बंद हो रहा होता है तो दोनों जो लीफ है वो एक दूसरे के क्लोज में आती है, राइट। डोर ओपन होने से पहले जो डोर है वो अनलॉक होना चाहिए, और डोर क्लोज होने के बाद जो डोर है वो क्या होना चाहिए, लॉक होना चाहिए, राइट। सिमिलरली अभी बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सिमिलरली अभी बात करते हैं डोर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, सलून डोर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जब डोर पूरी तरीके से ओपन हो जाता है तो ऐसे केस में हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप कितना होता है, राइट। तो जब डोर पूरी तरीके से ओपन हो जाता है तो ऐसे केस में जो हॉरिजॉन्टल गैप होता है वो होता है 1400 mm, प्लस माइनस 4 mm का वेरिएशन एक्सेप्टेबल है, और जो वर्टिकल गैप होता है वो कितना होता है, 1900 mm। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब डोर पूरी तरीके से ओपन हो जाता है तो जो हॉरिजॉन्टल गैप होता है वो होता है 1400 mm, और जो वर्टिकल जो गैप होता है वो कितना होता है, 1900 mm होता है, राइट। और डोर को ओपन होने के लिए कितना टाइम लगता है, 2.5 सेकंड, और क्लोज होने के लिए कितना टाइम लगता है, 3 सेकंड,
राइट। और यहाँ पर ये जो डोर है इसको ऑपरेट करने के लिए बेसिकली वोल्टेज लगता है, जिसे बोला जाता है सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज कितना चाहिए होता है ये डोर को ऑपरेट करने के लिए, 110 वोल्ट डीसी, राइट। और कितना करंट कंजम्पशन होता है, 1 एम्पियर करंट कंजम्पशन होता है। और मैक्सिमम करंट कितना कंजम्पशन होता है, 4 एम्पियर होता है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या याद रखना है, जो हॉरिजॉन्टल जो गैप होता है वो होता है 1400 mm, और जो वर्टिकल जो गैप होता है वो कितना होता है, 1900 mm, जब हमारा डोर पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। तो ओपनिंग टाइम होता है 2.5 सेकंड, क्लोजिंग टाइम होता है 3 सेकंड। और जैसे कि हमने बात किया वोल्टेज कितना लगता है, 110 वोल्ट डीसी, और जो करंट कंजम्पशन है वो है 1 एम्पियर, और जो मैक्सिमम करंट कंजम्पशन जो है वो है 4 एम्पियर। तो जो सलून डोर होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखता है, प्रैक्टिकली जो सलून डोर है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। तो यहाँ पर ये वाली जो लीफ है ये लेफ्ट डोर लीफ, ये वाली जो डोर है वो है, ये वाली जो लीफ है वो है राइट डोर लीफ। और यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है कटआउट डिवाइस, इसके थ्रू जो डोर है उसको हम लोग मैनुअली ऑपरेट करेंगे। और मैनुअली ऑपरेट करेंगे तो ऐसे केस में दोनों जो लीफ होगी वो क्या हो जाएंगी, वो ओपन हो जाएंगी। दोनों लीफ को हम लोग मैनुअली ओपन कर सकते हैं और मैनुअली क्लोज कर सकते हैं।